हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन पर। तो गाइस, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की कुल जो वैकेंसी है, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट की जगह रेडियोग्राफर की वैकेंसीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने चैनल पर। यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियोस के जो अपडेट है आपको मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी के बारे में आपको बता दें तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। कोविड 19 के अंडर आपको जो वैकेंसी में काम करना पड़ेगा कोविड 19 के लिए, और वैकेंसी है जो फ़कीर मोहन मेडिकल जो कॉलेज है उसके हॉस्पिटल बालेश्वर है वहाँ पर ये जो वैकेंसी आई गई है। इसमें कितनी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, कितनी फार्मासिस्ट की है और कितनी रेडियोग्राफर की है, कितनी लैब टेक्नीशियन की है, क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या आपके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारी डिटेल ए टू जेड हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इन जो वैकेंसी है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 27 मार्च 2020 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम आज को ये जो वैकेंसी होने वाली है वाकई इंटरव्यू के आधार पर आपको वहाँ पे लिया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए आपकी पोस्ट रहने वाली है 162 पोस्ट इसमें रहने वाली है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी एज पर द लेबर एंड ESIC डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको 388 रुपये पर डे और कोविड 19 इंसेंटिव के अकॉर्डिंग 612 रुपये पर डे आपको मिलने वाली है। और डेट ऑफ वॉक एंड इंटरव्यू की आपको 3 अप्रैल 2020 टू 4 अप्रैल 2020 फ्रॉम 11 सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक आपका वेन्यू कहाँ रहने वाला है, फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस एट रेमुना बालासोर जो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर आपका वेन्यू रहने वाला है। फार्मासिस्ट की टोटल 20 पोस्ट हैं, इसमें भी सैलरी वही आपको सेम मिलने वाली है, सेम वेन्यू रहने वाला है, सेम आपका जो है वेन्यू भी रहने वाला है, सेम इंट्री और वगैरह सब रहने वाला है। लेबोरेटरी की जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनकी 34 पोस्ट है, सैलरी वही सेम मिलने वाली है इसमें भी। रेडियोग्राफर की सैलरी में थोड़ा डिस्टेंस डिफरेंस है, इसमें जो है अलाउंस 448 रुपये और उसके बाद कोविड 19 के लिए 552 रुपये पर डे आपको इसमें दिया जाएगा। हाँ नहीं, सैलरी वही है, इसमें थोड़ा अलाउंस कम है। चलिए, ये तो बात हमने कर ली। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको क्या चाहिए कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मे कम विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपके पास यदि एक्सपीरियंस है या नहीं है तो वो भी आप जा सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के टाइम। एलिजिबल क्राइटेरिया हम बात करेंगे, यदि सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा नर्सिंग GNM फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, प्लस 2 ईयर एनी डिसिप्लिन फ्रॉम काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा और इक्विवेलेंट GNM रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड SCC सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फ़ोटो और ID प्रूफ आपका वोटर आधार पैन, इनमें से कोई भी एक आपको ID प्रूफ साथ में ले जाना है। साथ ही साथ यदि आप उड़ीसा से रजिस्टर्ड हो नर्स तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करो, चाहे रेडियोग्राफर के लिए, चाहे लैब टेक्नीशियन के लिए, किसी भी पोस्ट में आपके लिए क्वालिफिकेशन है वो सेम यही रहने वाली है जो हमने बात की है इस वीडियो में। अब एलिजिबल क्राइटेरिया सर्टिफिकेट रिकॉर्ड फार्मासिस्ट के लिए भी वही रहने वाला है, उनका डिप्लोमा रहेगा उसके या फिर डिग्री रहने वाली, उसके बाद वही ओडिशा नर्सिंग काउंसिल का आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह यही आपके रहने वाली है। तो गाइज, ये तो वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो नर्सिंग से रिलेटेड फ्रेंड है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कोविड 19 के लिए आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। थैंक यू गाइज़।